अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज सुमान बटाविया और आज का हमारा जो लेक्चर नंबर 15 इंस्टॉलमेंट सेल्स का हसन एंड कंपनी ये हम सॉल्व करने जा रहे हैं अभी। और इसके अंदर हम देखेंगे कि ये तकरीबन हमारा लास्ट एरिया है, इस इंस्टॉलमेंट सेल्स का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो आप अपने फीडबैक दे सकते हैं मुझे और कोई क्वेरी भी हो तो आप कर सकते हैं। अच्छा जी, तो अब हम उसको सॉल्व करने जा रहे हैं और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है इसको पढ़ते हैं। द फॉलोइंग बैलेंसेस आर टेकन फ्रॉम द प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। क्लास, इससे पहले हमने जो बहुत सारे सवाल किए हमें इस किस्म की वर्डिंग नहीं मिली, लेकिन हमने ये एस्टैब्लिश किया था, समझा था कि कुछ भी ना लिखे एग्जामिनर तो भी हम यही अज्यूम करेंगे कि प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस या अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस ही है। तो फॉलोइंग बैलेंसेस आर टेकन फ्रॉम द प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंसेस बैलेंस ऑफ हसन कंपनी एज ऑफ दिसंबर 31, 2007 से ये बैलेंस उठाए गए हैं हसन एंड कंपनी से। इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल 2006 का 6 से पर्टेन करता है और बैलेंस आज का है यानी 31 दिसंबर 2007 का 80,000 रुपये। 2007 से जो पर्टेन करता है उसका बैलेंस है आज 1,20,000 रुपये। सेल्स की 2 लाख, कॉस्ट है और अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट 2006 का। इस सवाल के अंदर जो असल डिस्कशन है वो ये है कि वैसे तो इंक्रीज की रिक्वायरमेंट है और बहुत सिंपल है कि आप इंक्रीज बना भी देंगे तो पहले हम आसान वाला काम जल्दी से कर लें। बहुत बार हम इंट्रीज बना चुके हैं कि पहली एंट्री बनेगी इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और इंस्टॉलमेंट सेल्स क्रेडिट बाय 2 लाख रुपए। सिंपल है, ये हमने बहुत बार बनाई है। नेक्स्ट एंट्री बनेगी इसकी कॉस्ट की यानी कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स डेबिट और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट बाय 1,40,000। अच्छा जी, 2007 पर हम ये भी काम कर लें, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लें ताकि एंड में जो मेट्रिक एंट्री बनाते हैं वो निकालना आसान हो जाए। तो सेल्स माइनस कॉस्ट जो कि है 2 लाख और 1,40,000 डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट है, सर डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज भी निकलवा दें। ये लें 60,000 को डिवाइड कर दूंगा 2 लाख रुपये से और जो आंसर आएगा 100 से मल्टीप्लाई करके वो होगा मेरे पास डेफिनेट ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज एंड दैट इज 30%। फाइन, यहाँ तक हम साथ हैं, जबरदस्त। अच्छा जी, अब कैश कलेक्शन का अमाउंट सवाल में नहीं दिया हुआ, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर मैं कैश कलेक्शन निकालना चाहूँ 2007 का तो कोई मुश्किल ही नहीं है, क्योंकि सर जो सेल की है वो की है 2 लाख रुपये की। और अगर मैं सवाल में देखूँ तो मेरे पास इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल 2007 का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आ रहा है 1,20,000 रुपये, यानी 2 लाख का माल बेचा और साल के आखिर में 1,20,000 रुपये लेना बाकी है, मतलब 80,000 रुपये कैश कलेक्शन है 2007 की। कैश कलेक्शन 2007 की जो सेल्स हुई है तो सिंपल हो गया, इसकी एंट्री बन जाएगी बैंक डेबिट 80,000 रुपये से और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 80,000 रुपये से। अच्छा जी, इसके बाद जो प्रॉब्लम आ रहा है वो आ रहा है 2006 के लिए। 2006 का जो क्लोजिंग बैलेंस है रिसीवेबल का वो है 80,000 रुपये और जो अनरियलाइज्ड डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट है 2006 का वो भी है 80,000 रुपये। सर ये जो बैलेंस है हम हजार बार डिस्कस कर चुके हैं, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, ये प्री क्लोजिंग बैलेंस होता है और साल के एंड में जाके ये रियलाइज प्रॉफिट से एडजस्ट होता है। जब पैसा आ रहा होता है तब एडजस्ट नहीं हुआ होता। हो सकता है ये 2006 वाला बैलेंस 3 लाख हो स्टार्टिंग में, हो सकता है ये 2.5 लाख हो सकता है ये 5 लाख हो और ये आते आते साल के आखिर में 80,000 बच गया। लेकिन जब जब पैसा आया तो मैं ये एंट्री पास करता गया होगा बैंक डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट और साथ में डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट को तो हमने टच ही नहीं किया होगा क्योंकि वो साल के आखिर में हिट होता है। लेकिन इस डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट के 80,000 बैलेंस से जो मुझे 25% दिया हुआ है 2006 का रेट, मैं उस बैलेंस पे पहुंच सकता हूं जो साल के स्टार्टिंग में होगा। सर क्या मतलब यार, अगर डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट मेरा 80,000 रुपये है और साल के स्टार्टिंग में था और 25% प्रॉफिट था तो मैं 100% बैलेंस निकाल सकता हूं। और इसको जब मैंने 80,000 को 100 से मल्टीप्लाई किया और 25 से डिवाइड किया तो आया 3,20,000 रुपये। सर इसका मतलब स्टार्टिंग ऑफ द ईयर पे यानी 1 जनवरी 2007 को मेरा रिसीवेबल का बैलेंस जो 2006 से पर्टेन करता है वो 3,20,000 था और क्लोजिंग बैलेंस उसने मुझे कहा है कि 80,000 है, तो 2,40,000 रुपये कैश कलेक्ट हुआ है ड्यूरिंग द पीरियड।
सर मैंने एंट्री पास कर दी, बैंक डेबिट 2,40,000 रुपये और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 2,40,000 रुपये, और ये वाला इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल पर्टेन करता है 2006 से और ये वाला 2007 से पर्टेन करता था। अब सिंपल नेक्स्ट एंट्री बनेगी, जो एडजस्टिंग एंट्रीज होती हैं, इंस्टॉलमेंट सेल डेबिट 2,00,000 से, कॉस्ट क्रेडिट 1,40,000 से और डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट 60,000 से। और सर अब इस डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट को मैंने रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है, तो डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट हो जाएगा किसी अमाउंट से, रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट 2007 का अलग होगा, 2006 का अलग होगा। सर क्या मैं इसको एक साथ लिख सकता हूँ टोटल को और वर्किंग में दिखा दूँ? हाँ ये भी सही है, अलग अलग भी लिख सकते हो। सर रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट की अगर मैं वर्किंग करने जाऊँ तो 7 के अंदर मुझे जो कैश कलेक्ट हुआ है सीसी इनटू डीजीपी का रेट, और सीसी मुझे कितना रिसीव हुआ है सर, अभी मैंने ऊपर निकाला था और ये अमाउंट आ रहा था 80,000 रुपये, और इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 30% से, ये भी हमने ऊपर निकाला था तो ये आ गया 24,000 रुपये, और 2006 को ऊपर भी यही वाली चीज़ के 3,20,000 रुपये, 2,40,000 रुपये रिसीव हुआ है अभी हमने निकाला, और इसकी परसेंटेज सवाल में गिवन है 25,000 रुपये, तो 240 को जब आप 25% से करते हैं तो आता है 60,000, तो आपका रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 84,000 रुपीज़, 24,000, 60,000 और 84,000। एंड नेक्स्ट एंट्री बनेगी रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट 84,000 से और इनकम समरी अकाउंट 84,000 से क्रेडिट। क्लास ये सवाल था हमारा, इसको हमने सॉल्व किया, मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर होगा। कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में या ईमेल भी कर सकते हैं, और आपका फीडबैक और सजेशन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, तो वो भी अगर आप देना चाहें तो। थैंक्स इन एडवांस, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।